नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत में कंप्लेंट के द्वारा करना चाहता हूं। कल मैं अपने चैनल का एनालिटिक्स देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर, वहां पे मैंने एक चीज देखी कि जो वॉच टाइम जितना भी मेरे वीडियोस के ऊपर आ रहा है वो तो बहुत अच्छा है, थैंक यू टू ऑल, बट दोस्तों वो 25% ही सब्सक्राइब लोगों के द्वारा आ रहा है और जो 75% जितने लोग ये वॉच टाइम लेकर के आ रहे हैं या मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये जो चैनल होगा इसके ऊपर आगे बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। मैं भविष्य में लाइव क्लिनिक भी करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, लाइव सेशंस होंगे जिसके अंदर लाइव में आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा और तमाम चीजें, पर दोस्तों वो सिर्फ तब हो पाएगा जब आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि अगर मेरे पास समझिए ना, अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर मैं लाइव सेशन करके करूंगा क्या। तो दोस्तों प्लीज, अगर आप मेरे कंटेंट को जरा भी आप लाइक कर रहे हैं और आपका भी इंटरेस्ट है होम्योपैथी और फील्ड ऑफ मेडिसिन में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो है होम्योपैथिक एग्रीवेशन के बारे में। अब होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या है हम सब आगे जानेंगे, नाम से ही जैसा कि प्रतीत हो रहा है। और आप में से बहुत सारे जो इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या अगर वो BHMS स्टूडेंट भी हैं तो वो सब जानते हैं कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या होता है। ये वो होता है, वो एग्रीवेशन होता है जिसको देखने के लिए एक होम्योपैथ प्रैक्टिशनर की आंखें तरसती है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसके पेशेंट के अंदर उसके केस में होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो जाए, सो दैट पेशेंट के अंदर और केस के प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छे हों और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर पाए। बट आम बोलचाल की भाषा में और आम लोगों के लिए भी मैं समझाना चाहूंगा कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन का मतलब है कि ये भ्रांति नहीं है, ये सही बात है। और आम आदमी भी इस बारे में जानता है कि जब भी होम्योपैथिक मेडिकेशन करा जाता है मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर, तो उनकी जो बीमारी है वो जरा बढ़ती है। लोगों के अंदर ये बात प्रचलन में है और ये सही भी है कि हम कभी भी किसी पुरानी बीमारी का ट्रीटमेंट होम्योपैथिकली करते हैं तो बीमारी थोड़ा सा बढ़ती है और वो बढ़ने के बाद सिक्वेंशियली टेपर डाउन होके वो कम होती है, तो इसी को हम होम्योपैथिक एग्रीवेशन बोलते हैं। अगर अपन गौर से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में होम्योपैथिक एग्रीवेशन की स्टडी करें तो वहां पे दो और एग्रीवेशन बताए गए हैं, विच इज डिजीज एग्रीवेशन एंड मेडिसिनल एग्रीवेशन। तो दोस्तों आज का वीडियो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो मेसेलिनस एग्रीवेशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज मेडिसिनल एग्रीवेशन। तो व्हाट इज मेडिसिनल एग्रीवेशन, कि आप कल्पना करिए कि आपने पेशेंट को जो लक्षण थे वो चार लक्षण के ऊपर दवाई दी, फोर सिम्टम्स लेके वो आपके पास आया था, पर आपके दवा देने के बाद आपकी जो दवा है जो उस मेडिसिन के अंदर कुछ और लक्षण लिखे थे वो लक्षण इस पेशेंट में पैदा हो रहे हैं। मतलब देखिए, जो वो लेके आया था वो सही तो नहीं हुआ पर उसके अंदर कुछ एडिशनल सिम्टम्स आ रहे थे और वो सिम्टम्स थे उस दवा के। तो कहने का मतलब यहाँ पे, जब भी हम कोई गलत मेडिसिन एक ससेप्टेबल पर्सन को देते हैं और वो मेडिसिन प्रूव होने लगती है तो उस बंदे के अंदर अपार्ट फ्रॉम हिज ओन सिम्टम्स वो मेडिसिन के भी सिम्टम्स उसकी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, तो दिस इज नोन एज द मेडिसिनल एग्रीवेशन। एम आई क्लियर? वेरी गुड। तो इट इज गुड और बैड? डेफिनेटली इट इज बैड, इट इज नॉट गुड एट ऑल। ये बैड है, ये बुरा है कि हमको उसकी बीमारी को एड्रेस करना था पर हमने उसको भेंट स्वरूप हमने गलत मेडिसिन देकर उसके अंदर कुछ और लक्षण पैदा कर दिए जो उस मेडिसिन के थे, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द मेडिसिनल एग्रीवेशन। सेकेंड नंबर, डिजीज एग्रीवेशन। व्हाट इज डिजीज एग्रीवेशन? कि कुछ बीमारियां होती हैं वो कुछ लक्षणों के साथ चलती हैं। आप मेरी बात समझिए कि पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है, जैसे मलेरिया, तो मलेरिया के अंदर फीवर एसोसिएटेड विद चिल होगा, हॉट स्टेज होती है, स्वेट स्टेज होती है, उसके साथ साथ और तमाम चीजें होती है, बिटर टेस्ट इन माउथ होता है। तो जब भी हम कोई गलत मेडिकेशन दे दें और उसके कारण डिजीज के ही और सिम्टम दिखने लगे पेशेंट में, तो दिस इज नोन एज द डिजीज एग्रीवेशन। ओके, तो दिस इज नोन एज द डिजीज एग्रीवेशन। मेरे कहने का मतलब है कि पहले केस में क्या हुआ था, हमने जो मेडिसिन दी थी वो प्रूव होने के लिए पैड हुई थी मशीन के अंदर,
मतलब हमने मेडिसिन दी और मेडिसिन ने कहीं ना कहीं गलत और ससेप्टेबल पर्सन को देने के कारण प्रूविंग चालू कर दी, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम पैदा हुए थे जो मेडिसिन के थे, इसलिए हमने इसको बोला था मेडिसिनल एग्रेवेशन। पर जब आप बहुत ही गलत दवा देते हो एक पेशेंट को, न्यायते मतलब चंपू दवा की, मतलब आपने कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, आपने अक्कड़ बक्कड़ करके दे दी, तो वो जो दवा होती है वो पेशेंट के अंदर डिजीज को एग्रेवेट कर देती है। मतलब वो उसका जो बॉडी होता है वो उस दवा के लिए उसका जो डिजीज होता है वो बहुत वियर्डली और बहुत ही आउटरेजियस रिस्पॉन्स देता है, तो मतलब उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो दिस इज नोन एज द डिजीज एग्रेवेशन, मतलब उसी बीमारी के कुछ लक्षण जो पेशेंट में पहले तो नहीं थे पर हमारे दवा देने के बाद वो लक्षण आ गए, तो दिस इज नोन एज द डिजीज एग्रेवेशन। ठीक है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। तो इज इट गुड और बैड? डेफिनेटली इट इज मोर बैड, ये मेडिसिनल एग्रेवेशन से ज्यादा खराब है कि मैंने उसको ऐसी दवा दी कि उसके अंदर जो बीमारी थी उस बीमारी के कुछ लक्षण जो पहले थे ही नहीं वो लक्षण पैदा होने लग गए, बचे हुए लक्षण भी वो दिखाने लग गया उस बीमारी के। तो दिस इज वॉट इज नोन एज द डिजीज एग्रेवेशन। वॉट इज होम्योपैथिक एग्रेवेशन? तो दिस इज दैट एग्रेवेशन जो एक हर होम्योपैथ चाहता है कि उसके पेशेंट के अंदर जल्दी से जल्दी हो, सो दैट वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। एग्जैक्टली इसको क्या बोलेंगे, कैसा होता है ये? अगर पेशेंट मेरे पास चार या पांच सिम्टम के लिए आया था तो सिर्फ वो ही चार और पांच सिम्टम एग्रेवेट होंगे, ठीक है ना, ना तो उसकी डिजीज का कोई सिम्टम एग्रेवेट होगा जो कि पहले था ही नहीं, ना तो मेडिसिन का कोई नया सिम्टम उसके अंदर एड ऑन होगा, वो भी नहीं होगा। बस वो जो कंप्लेंट मेरे पास लेकर के आया था, अगर मेरे दवा देने के बाद वो कंप्लेंट बढ़ जाती है तो देन इट इज नोन एज द होम्योपैथिक एग्रेवेशन। अब सवाल पैदा होता है इज इट गुड और बैड? इट इज द गुडेस्ट थिंग, ये सबसे बेटर है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको एक क्रॉनिक केस के अंदर, किसी भी केस के टाइम के अंदर आपको होम्योपैथिक एग्रेवेशन देखने को मिल रहा है, देन बी श्योर, एंड पेशेंट को भी आप श्योर कर दो कि अब आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे, ठीक है ना। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका कारण क्या होता है, हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि इसके होने की वजह क्या है। इसके होने की वजह यह है कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो हमारी जो मेडिसिन होती है, हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इसको ऐसी दवा दें कि जो इसके अंदर सिमिलर डिजीज पैदा करे, बस ज्यादा पावरफुल डिजीज, सिमिलर बट मोर पावरफुल देन द नेचुरल डिजीज। दिस इज नेचुरल डिजीज, दिस इज द आर्टिफिशियल डिजीज विच इज मेड बाय अस विथ अवर मेडिसिन। तो होता क्या है कि अब ये जो बंदा था, ये इसके ये सिम्टम थे, अब यहां से मैंने आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करना शुरू करी अपने मेडिसिन के द्वारा, अब ये डिजीज बड़ी 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 इस थ्रेशोल्ड तक आई। इस थ्रेशोल्ड तक आते आते तक तो कोई एग्रेवेशन नहीं हुआ, पर जब मेरी डिजीज, क्योंकि इसको अगर मेरे को नेचुरल डिजीज को मेरे को आउट करना है तो मेरे को आर्टिफिशियल डिजीज सिमिलर प्लस बट इससे पावरफुल पैदा करनी पड़ेगी। तो जैसे 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 इसने इसको ओवरटेक करने के लिए ये डिजीज और बड़ी होती गई, तब जाके ये नेचुरल डिजीज जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाएगी। और ये जो डिफरेंस है कि जो आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज है, जब ये नेचुरल डिजीज से पावरफुल बनना चालू होती है बॉडी में, तभी होम्योपैथिक एग्रेवेशन का टाइम होता है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको इतना, ये जो डिफरेंस है यही होम्योपैथिक एग्रेवेशन कहलाता है। और होम्योपैथिक एग्रेवेशन हमें क्या दर्शाता है कि हमारे द्वारा पैदा सिमिलर एंड आर्टिफिशियल जो डिजीज हमारी दवाएं पैदा कर रही हैं वो अब इतना पावरफुल हो गया है कि इट हैज बिकम मोर पावरफुल देन द नेचुरल डिजीज। और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या है कि जो हमेशा पावरफुल जो डिजीज होगी वो कम पावरफुल डिजीज को बॉडी में से किक आउट कर देगी। तो दोस्तों ये होता है होम्योपैथिक एग्रेवेशन। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का सिद्ध होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।